निकाय चुनाव में अब मात्र 3 दिन बचे हैं। सभी प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सारे प्रत्याशी जी जान से प्रचार में लगे हैं, जिसके लिए वो जनता से मिल भी रहे हैं। इसी कड़ी में बागचोला से पार्षद पद के भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रभाकर शर्मा भी जनसंपर्क करते नजर आए। इस कार्यक्रम अभियान में नगर विधायक रितेश गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने जनसंपर्क अभियान में सभी क्षेत्रवासियों से अपील की वो 29 नवंबर को कमल के फूल वाले बटन को दबाकर भाजपा को विजयी बनाएं, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास वाली बात को साकार कर सकती है। प्रदीप प्रभाकर शर्मा ने भी अपनी जीत के लिए खुद भी जनता से अपील की। आने वाली 29 तारीख को राधाबाद की और इस वार्ड की दशा और दिशा तय होने वाली है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और सरकार ना होने की वजह से जो विकास हमारे क्षेत्रों का होना चाहिए था, हमारे मुरादाबाद का होना चाहिए था, हमारे वार्ड का होना चाहिए था, वो विकास उस गति से नहीं हो पाया। सरकार सपा और बसपा की थी, मेयर भाजपा का था, सभासद भाजपा का था, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो विकास भाजपा के मेयर और सभासद नहीं करा पाए, क्योंकि नगर निगम नगर निकाय जो है हमेशा सरकार के अधीन होता है, जिसकी सरकार उसी का उसमें राज चलता है और उसी के तहत सरकार का एक अधिकारी जिसको हम लोग MNA के नाम से जानते हैं वो सरकार के हिसाब से काम करता है। तो वीना जी और विनोद जी का काम करने का मन होता भी था या हमारे पार्टी की पार्षद काम कराना चाहती भी थी, तो लेकिन वो काम जो है उस काम में अवंडा लगा दिया जाता था।